हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया पितंकुर में। कल IBPS PO प्री का रिजल्ट आउट हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम क्लियर हो गया। लगातार स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा भी IBPS PO प्री का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। और इसी तरह लास्ट ईयर भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स के कमेंट देखने को मिले थे जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। मैंने कल एक पोल भी कंडक्ट कराया था कि किनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया किनका नहीं हुआ है, तो अप्रॉक्स 60% स्टूडेंट्स का एग्जाम क्लियर हो गया। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वो भी हैं जिनके कम अटेम्प्ट थे, 55, 53, 52, 54, 56, फिर भी उनका PO प्री क्लियर हुआ है। अब यहाँ से दो फैक्टर तो क्लियर हैं, या तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर और दूसरा लो कट ऑफ। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस साल भी लास्ट ईयर की तरह ही लो कट ऑफ रही होगी, अप्रॉक्स लास्ट ईयर के आसपास ही। बाकी तो 3-4 दिनों में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब IBPS PO प्री का स्कोर कार्ड और कट ऑफ आउट होगी। लेकिन दोस्तों, मैंने पहले भी आपसे कहा था और बार बार कहा था कि आपके भले ही कम अटेम्प्ट जरूर हैं, लेकिन मेंस की तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर मेंस का मौका आपको मिल गया तो वो तैयारी आपके मेंस में काम आ जाएगी। तो जिन्होंने मेंस की तैयारी करते रहे, रिजल्ट का इंतज़ार नहीं किया, तो बिल्कुल आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और जिन्होंने रिजल्ट का इंतज़ार किया है, तो अभी भी आपके पास समय है। एक एक मिनट, एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मेंस में बहुत अच्छा कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी जिन्होंने IBPS PO प्री दिया था, तो आप कमेंट में अपने अटेम्प्ट और रिजल्ट जरूर मेंशन करें। और बाकी जिनका मिनिमम अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हुआ है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि कितने अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हुआ, किस कैटेगरी से और किस डेट में और किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था। और आप सभी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज भी बता सकते हैं कि कितनी रही होगी, सिर्फ एक्सपेक्टेड। बाकी तो 3-4 दिनों में क्लियर हो जाएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।